बिजु पटनायक वैषयिक विश्वविद्यालय छात्र छात्री शेष सेमिस्टर ऑनलाइन परीक्षा निष्पत्ति अत्यंत त्रुटिपूर्ण जहाँ नहीं तुरंत समाधान पर राज्यपाल उद्देश्य कटक जिला बांकी अंचल छात्र माने आज बांकी उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करने सह राज्यपाल उद्देश्य एक स्मारक पत्र प्रदान करते सूचना था कि ऑनलाइन परीक्षा पर बीपीओटी पक्षर जो नुआ निर्देशनामा देखा 27 पृष्ठर नियमावली को पूरण करवा ग्रामांचल रोकवा बहु छात्र छात्री पक्षे असंभव वन एबीपीएस नेट 4 GB राम वेब कैम और माइकजुक्त कंप्यूटर एवं 3 घंटा लगातार विद्युत सरबराह ग्रामांचल रोकवा छात्र छात्री पूरण करने संभवपर नुहे एही सुविधा नथिबा छात्र छात्री होइथिबा परीक्षा केन्द्र को जीवार व्यवस्था जथा कंटेनमेंट जोन तथा बाहर राज्यर आसी पाठ पढ़ुथिबा पिलांक पई समस्या सृष्टि करिबा राज्य सरकार सबो जानी छात्र छात्री भविष्य सह खेलुछंदी बोली अभियोग करछंदी छात्र माने आगामी दिन में जोरदार आंदोलन कराजिबा बोली देइछंदी चेतावनी कटकरु जसवंत बेहरा रिपोर्ट जिला खबर स्वस्तिक महापात्र बीपीयूटी फाइनल ईयर स्टूडेंट आज सबकलेक्टर ऑफिस आसवर कारण है कि जे आम सबकलेक्टर जरिए गवर्नर को एक आप्लिकेसन लिखीदेलु जो बीपीयूटी आम गाइडलाइन जारी करो थे कि i3 प्रोसेसर रही दरकार आमकर 1 MBPS नेट चलता दरकार से विषय में आम सबकलेक्टर को आप्लिकेसन देवाक आसलु आम तो रूराल एरिया लोक आम पाखे ठीक से लैपटॉप भी नहीं आउ 1 MBPS तो छाड़ू आप गोटे एम बी कौन ये नेट भी चलिया संभव नुहे तेणु आम एग्जाम केमी देवु से विषय में आम कम्प्लेन सबकलेक्टर को जनवाप आसलु आमर सबकलेक्टर को जनवाप सबकलेक्टर महोदय कही कि ITI जो भी सेक्टर अच्छी सेठे भी एग्जाम दे पारे वर्तमान आम जो सब ITI सेक्टर अच्छी ता कथा छाड़ू आम भुवनेश्वर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह जाऊँ आम जोटी भी जाऊँ सेठे गवर्नमेंट ऑफिसर आमको अलाउ करना कोरोना सिचुएशन को लेकिन वर्तमान आपण मैंने कहतु आम ये सिचुएशन को कमी आम फेस करके आम ITI एग्जाम ITI कैंपस एग्जाम दू आप जो सरकार आम यही पदक्षेप नहीं कि आप ऑनलाइन एग्जाम दिंतु आम तीन तीन टी सेमिस्टर आमर आम जो लॉन्ग क्वेश्चन अनुसार आम पार्टिसिपेट कर लॉन्ग क्वेश्चन केमती कौन एग्जाम हुए आम गोटे मस भर में प्रिपेयर करके सर्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ ठीक कि पिला भी बाहर भी बहुत चाकरी करहार क्यों मैंने कैंपस पाई से कंपनी मैंने प्रेसर पकाचे कि आपंकर एग्जाम जिते यथाशीघ्र देखिए आसाक पड़ो कि आम यह चाहूँ कि आपड़ बीपुट जो पूर्व जो गाइडलाइन जारी करता कि आपण आमर प्रिभस जो सेमिस्टर मार्क गुड़ा अच्छी देखिके आम मूल्यांकन करें से आम बीपीयूटी की दाबी कर बीपीयूटी जदि आम ये कथा सब नशुणे आम जिते सब फाइनाल इयर स्टूडेंट अच्छा आम तो ये भुवनेश्वर हो कि संबलपुर हो जो पिला माने स्ट्राइक करते आम सहित मिसी आम राजरास्ता को ओल्लई बोली डिसाइड कर मो ना हूँ सिद्धार्थ शेखर भुईया आज्ञा आम आसी सब कलेक्टर पाक ये ताकि आम आम ऑनरेबल गवर्नर को गोटे आप्लिकेसन लिखा आम सब कलेक्टर जरिया से आप्लिकेसन आम यही देखिकी मैंने कहना चाहूँ जो ऑनलाइन एग्जाम जो बीपीयूटी करा चाहते से पिला बहुत असुविधा हो बहुत प्रॉब्लम फेस करूँ बहुत प्रकार असुविधा से पाँच कारण से बीपीयूटी जो ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा करने चाहूँ से किसी गाइडलाइन देखते जो थे कि पिला बहुत असफलता देखा जमीती कि सीटी देखुं गाइडलाइनस लिखाही कि सीटी i3 प्रोसेसर दरकार 1 MBPS नेट दरकार आउ ये बहुत प्रकार गाइडलाइन देखते आपड़ समस्त जानते आम सब रूरल एरिया पिला आम से वाईफाई कनेक्शन कि 1 MBPS स्पीड वाला से सिस्टम कौटू आने जब मोबाइल कनेक्ट करुच्छू आम सिस्टम प्रॉब्लम होटवर्क प्रोब्लेम होते सब भितर जो ऑनलाइन परीक्षा दब केमी से गाइडलाइन पुणी यह भी लिखाही कि जदि से किसी असुविधा होमती कि तुम नेटवर्क प्रोब्लेम होम फेलियर हो तुम जब मझे मझे जब सिस्टम बंद हो जाए जदि तुम परीक्षा जब कैनसल हो होती बीपीयूटी किसी दायी नब ना तो आम यह चाहूँ कि जिते सब ऑनलाइन एग्जाम जो कहते करें से कैनसल करके फाइनाल इयर सेमिस्टर को जिते सब पूर्व सेमिस्टर जो गुड़ा पलि बेसीस मार्क जिते सब मिली से मानने बेसीस फाइनाल सेमिस्टर को सहीटा को देखिकी से रेजल्ट काढ़ दिंतु आज जिते शीघ्र होम सर्टिफिकेट आमको हाथ में दे दिंतु कारण जिते लेट करेंगे आम आम कैरियर पर बहुत बहुत असुविधा आम मानने देखा जाऊँ
ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଯେତେ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ସେମିଷ୍ଟର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ଯଦି ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମର ବିଫଳ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଏଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଯଦି କିଛି ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିକି ଆମ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆମେ ବିପିୟୁଡ଼ିର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର। ବାଙ୍କୀ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ବିପିୟୁଡ଼ି ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ର, ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସାର୍, ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିପିୟୁଡ଼ି କହିଥିଲେ କି ପୂର୍ବ ସେମିଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟରର ମାର୍କ ମିଳିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିୟୁଡ଼ିର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ i3 ପ୍ରୋସେସର୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦରକାର, ୱାନ୍ MBPS ନେଟ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ଯାହାକି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଆମେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର, ଏବଂ ଏ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ନେଟ୍ ବି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲୁନି, ଏବଂ ବିପିୟୁଡ଼ି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ବି ମାନେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଭିତରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଟା ବିପିୟୁଡ଼ି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତେବେ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହାକି ଆମ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବୁ।